तो चलेंगे मैदान के अंदर। मोना आशीष की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मोना आशीष संजान और बल्लेबाजी का न्योता दिया गया। 25 मिनट का वक्त होगा आपके पास 5 ओवर डालने के लिए। पहली गेंद गिरेंगे, टाइम लगाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अंपायर्स जुड़ चुके हैं मैदान के अंदर। एक तरफ हम देखेंगे मुनाफ सुल्तान, एक तरफ रफीक मंसूरी, ऐसे दो अंपायर मैदान के अंदर। तो पहली ओवर लेकर आएंगे एज ए आईकॉन मैन फ्रॉम दमन, मिस्टर प्रभात फरदीन। तो प्रभात इस वक्त पहली ओवर लेकर आते हुए। पहली गेंद इस वक्त क्षितिज मोरे ने गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर। अंपायर दर्शाएंगे इस वक्त 6 या 4, जरूर पूछा जा रहा है चौका। वहां पर जो खिलाड़ी जो दर्शक बैठे बाहर आ जाए प्लीज, वहां पर मुज्जू भाई वो प्लेयर लोग वहां से बाहर आने के लिए बोले, जो भी प्रेक्षक प्लीज वहां से बाहर आ जाइए, उधर कोई ना बैठे प्लीज। क्षितिज मोरे ने पहली गेंद पर चौका बटोरा, खूबसूरत शुरुआत की गई, अच्छी तरह से अपने बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए। फिर से एक बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, डॉट बॉल। तो अभी तक दो गेंदें डाली जा चुकी हैं मिस्टर प्रभात द्वारा, मैन फ्रॉम दमन हम देख सकते हैं एज ए आईकॉन है, दमन से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी हैं दोनों आईकॉन खिलाड़ी। एक तरफ हम देख सकते हैं क्षितिज मोरे, तो एक तरफ हम देख सकते हैं खिलाड़ी मिस्टर ओमकार सालवे, और एक तरफ गेंदबाज प्रभात गेंदबाजी के लिए तैयार। फिर से एक बार क्रॉस बैट खेलने का प्रयास था, बिंदी गेंद, पहली गेंद पर चौका, उसके बाद लगातार दो गेंदें डॉट खेली जा चुकी हैं। पहले मैच जब क्षितिज ने खेली थी पहली गेंद पर चौका बटोरा था, उसके बाद उनका विकेट आया था, इस मैच में पहली गेंद पर चौका बटोरा, उसके बाद दो गेंदें लगातार डॉट खेली हैं। इस वक्त ऑफ साइड पर गेंद को खेला गया, वहां पर खिलाड़ी हैं, जब तक इरफान गेंद को फील्ड करेंगे, सिंगल बटोरा गया। 4 गेंदें हो चुकी है पहला ओवर, प्रगति पथ पर रनों के बाद कुछ रन लगे 5। पहली गेंद पर चौका, पिछली दो गेंदें डॉट, फिर एक सिंगल, इस तरह की शुरुआत। पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ, मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर हम देख सकते हैं। अरे बैक कॉन्टैक्ट और विकेट के पीछे तो फील्डिंग की सजावट हम देख सकते हैं लगाई जा रही है। एक मजे में खिलाड़ी है, लेदर क्रिकेट या टेनिस क्रिकेट काफी अनुभवी खिलाड़ी है। ऑन साइड पर डीप मिड विकेट कॉर्नर पर खिलाड़ी रखा है, डीप लॉन्ग पर मैनुद्दीन नल्ला और रिहान हम देख सकते हैं वहां पर सज्ज किए गए। आखिरी गेंद इस ओवर की, प्रभास फील्डिंग की तब्दीली की जा रही है, देख सकते हैं जब लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को थोड़ा सा मैदान के अंदर बुलाया गया। डीप बैकपास को लेग पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, अरबाज इंदर गड़िया है। हसनैन मांजरा की बात की जाए, शॉर्ट फाइन लेग पर दोनों शॉर्ट बैकपास को लेकर लाया गया, लॉन्ग लेग डीप लॉन्ग लेग पर एक खिलाड़ी, इस तरह की फील्डिंग की सजावट हम देख सकते हैं। ओहो तेज रखी थी, ऑफ्टन के बाहर, तेज तर्रार गेंद, बिंदी आती भी गेंद, पांचवी गेंद डॉट आई है। अभी तक क्या गेंदबाजी, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद पर सिंगल, पांचवी गेंद फिर से एक बार डॉट आती भी। अमोल सालवे लेफ्ट हैंड बैटर हैं, थोड़ी सी चर्चा की जा रही है इस वक्त मोइनुद्दीन नल्ला द्वारा। फिजिक बार गेंदबाजी के लिए होते हुए तैयार गेंदबाज मिस्टर प्रभास, लेफ्ट आर्म तेज तर्रार गेंदबाज हैं, स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बैटर। पटकी भी गेंद थी, बैट का सिरा लेकर विकेट कीपर के हाथ में गेंद जाती हुई, थोड़ी सी पीछे रखी थी, स्लोवर गेंद थी और अमोल सालवे सिलवाड़ा का शिकार। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त पठान 11 करा टीम को, एक ओवर की समाप्ति, 5 रन लगे उसके कार पर, पहला विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम मैदान के बाहर इस वक्त ओमकार सालवे। डीजे
ओमकार सालवे मैदान के बाहर, अमोल सालवे मैदान के अंदर दो भाइयों की जोड़ी खेलती नजर आ रही है। इस वक्त गेंदबाजी के लिए आएंगे अरबाज अरबाज इंद्रगढ़िया, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। इस वक्त गेंदबाजी के लिए आते हाइटेड गेंदबाज है, वो आएंगे गेंदबाजी के लिए। तो लेफ्ट हैंड बैटर मैदान के बाहर, इस वक्त अमोल सालवे मैदान के अंदर आएंगे। मगर क्षितिज अभी तक चार गेंदे पांच पर बल्लेबाजी कर उन पर निगाहें होंगी, ऐसे आइकॉन खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आइकॉन खिलाड़ी अरबाज इंद्रगढ़िया गेंदबाजी के लिए होते हुए तैयार। एक ओवर समाप्त हुए, पांच रन लगे हैं स्कोर कार्ड पर। पहला विकेट जरूर गवाया अमोल सालवे के रूप में। राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार अरबाज, और यहां पर जड़ में रखा क्लीन बोल्ट, क्लीन बोल्ट क्षितिज मोरे। इस वक्त मैदान के बाहर विकेट नंबर सेकंड, बैक छोड़ेगा आउट, दैट इज ए। तो देख सकते हैं थोड़ा सा पतझड़ तो नहीं, सलामी बल्लेबाज मैदान के बाहर। अरबाज इंद्रगढ़िया ने आते ही पहली गेंद पर क्षितिज मोरे को मैदान के बाहर भेजा। इस वक्त नए बल्लेबाज जिलानी शेख मैदान के अंदर, दोनों ही कराड़ से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। इस वक्त पठान इलेवन कराड़ टीम के लिए खेलते हुए पहला विकेट जरूर गवाया अमोल सालवे के रूप में। उसके बाद आइकॉन खिलाड़ी क्षितिज मोरे मैदान के बाहर, इस वक्त जिलानी शेख मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए आए। यहां से अगर बात की जाए पार्टनरशिप की दरकार होगी, क्योंकि अभी तक पांच पर दो विकेट गवा चुके दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान के बाहर। अरबाज इंद्रगढ़िया आते ही पहले गेंद पर विकेट चटका चुके, क्लीन बोल्ड किया गया, हाइट पर काफी बढ़िया है अरबाज की। और जिस तरह से गेंद ट्रैवल करते कहीं ना कहीं सात साढ़े सात फुट ऊपर से गेंद ट्रैवल होती हुई, बल्लेबाज जिलानी इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे। हल्के बल्ले से इस वक्त खेला गया, वहां पर रक्षात्मक रूप देखने को मिलता हुआ खिलाड़ी आए सद्दाम गेंद को फील्ड करते हैं, मगर एक रन बटोरा गया। एक रन के साथ स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली छह अंकों पर जा पहुंचा। दोनों ही टीमों दो दो आइकॉन खिलाड़ी हम देख सकते हैं, मुनासिर संजान में इरफान दीवान और प्रभात, ऐसे दो आइकॉन खिलाड़ी हैं। बैटिंग करने वाले टीम में हम देख सकते हैं क्षितिज मोरे और राहुल वांगण, ऐसे दो आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त लेफ्ट हैंड बैटर के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट आएंगे। अमूमन हम देखते हैं बल्लेबाजों को लेफ्ट हैंड जब बल्लेबाज होता है तो राइट आर्म राउंड विकेट आते हैं, मगर अरबाज कुछ अलग करते हुए लेफ्ट हैंड बैटर के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट आ रही है। ये रणनीति कुछ अलग है अरबाज इंद्रगढ़िया की, बेहतरीन गेंदबाज है। हम अमूमन देखते हैं कि जिस तरह से हसनैन को रोका जा रहा है, हसनैन स्ट्राइकर गेंदबाजों ने रोका गया और प्रभात ने अच्छी शुरुआत की अपने इनिंग्स में अपने टीम के लिए। और यहां पर देख सकते हैं अंपायर जरूर मुड़ते हुए व्हाइट बॉल जरूर करा दिया गया, थोड़ा सा आगे निकल खेलना चाहते मगर गति का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए गेंदबाज, और फिर थोड़ा सा बाहर डाला गया व्हाइट बॉल। स्कोर कार्ड पर एक से होती हुई तब्दीली, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त सात अंकों पर, दो गेंदें हो चुकी, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। अमोल सालवे लेफ्ट हैंड बैटर इस वक्त स्ट्राइक पर। इस वक्त अब इस टाइम जरूर हुआ डीप में खिलाड़ी, मैनुद्दीन नल्ला नहीं करेंगे गलती, अमोल सालवे शून्य का चश्मा पहनकर मैदान के बाहर। तीसरा बड़ा झटका लगता हुआ पठान इलेवन करार टीम को, बैक छोड़ेगा आउट। धन्यवाद से धन्यवाद न्यू बैटर मैदान के अंदर गौरव गौरव महादर आएंगे इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। बल्लेबाजी क्रम में बल्लेबाज है मगर थोड़ी सी जल्दबाजी की जा रही है, बड़े शॉट खेलने के चाहत में बल्लेबाज अमोल सालवे मैदान के बाहर, जिलानी और गौरव इस वक्त मैदान का। यहां से एक पार्टनरशिप की दरकार होगी, मगर अरबाज इंद्रगढ़िया की तारीफ करने की बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, आज अलग ड्रेस में नजर आ रही है मुनासिर संजान, ब्राउन कपड़े हैं गोल्डन वहां पर लिखा गया है, सभी टीम खिलाड़ी के पीछे नाम और नंबर लगाया गया। कदीर खतीब आएंगे, माफ कीजिएगा कदीर खतीब
इसने तो बल्लेबाजी के लिए गौरव महादर और कदीर खतीब को पीछे से देखा तो एक तरह की बॉडी लैंग्वेज है कदीर खतीब के इस वक्त मैदान के अंदर। कदीर खतीब है न्यू बैटर मैदान के अंदर, देख सकते हैं हम अरबाज ने इंप्रेस किया, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल अपने ओवर में। क्रॉस बैट खेलने का प्रयास था इस वक्त, अपर लेग बिफोर के रूप में आउट दिया गया, देख सकते हैं अंपायर की तरफ जिलानी थोड़ा सा ध्यान देते हुए, देख सकते हैं बल्लेबाज यहां पर विकेट के सामने आया और विकेट का पतन होता हुआ चौथा झटका दिया गया। क्या गेंदबाजी की अरबाज द्वारा, विकेट नंबर 4 डाउन। धन्यवाद जी। तो 4 विकेट आए हैं, दूसरा ओवर पकड़ते हुए थोड़ा सा पतझड़ यहां पर देखने को मिलती है बल्लेबाजी की। बल्लेबाज गौरव इस वक्त मैदान के अंदर, कदीर खतीब भी शून्य का चश्मा पहनकर मैदान के बाहर। अरबाज क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 रन खर्च किए अभी तक, 4 गेंदों में 3 विकेट अभी तक चटका चुके, अच्छी गेंदबाजी। नहीं बल्लेबाज गौरव लेग विकेट में आउट हुए थे, हैट्रिक पर होंगे इस वक्त अरबाज इंद्रगढ़िया। थोड़ा सा रनअप में चूकते हुए देख सकते हैं, फिर से एक बार गेंदबाजी ट्रैक पर आएंगे, अंपायर डेड बॉल जोर घोषित किया गया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल मोना सिसी संजान की गेंदबाज अरबाज। आसमान में जब अरबाज उड़ता है तो सभी पक्षियों के लिए घातक होता है, और जब गेंदबाजी अरबाज करते सभी बल्लेबाजों के लिए घातक नजर आ रहे हैं। एक बार इस वक्त देख सकते हैं हम कुछ अलग तरह से खेलना चाहते थे, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की जा रही है, बल्लेबाज को डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर अरबाज बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ओवर नंबर इस वक्त दूसरा प्रगति पथ पर, आखिरी गेंद का खेल आना बाकी है। गौरव महादर को भी इस वक्त डोमिनेट किया था, जड़ में रखा था, खुद को निकालना चाहते थे, थोड़ा सा आगे आए थे, आरिफ कॉन्ट्रेक्टर डायरेक्ट हिट करना चाहते थे मगर बाल बाल बचे हैं। अभी भी आखिरी गेंद का खेल बाकी होगा, 7 रन लगे मात्र स्कोर कार्ड पर, 1 रन 2 रन आए हैं इस ओवर में, एक सिंगल एक वाइड के रूप में। फिर से एक बार अरबाज गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर से एक बार रुके कुछ अलग करना चाहते हैं, शायद लेफ्ट हाथ में गेंद लेके दौड़े, राइट हैंड में लेना भूल रहे हैं, इसका कुछ चलता हुआ अरबाज द्वारा थोड़ा सा नीचे से दौड़े, थोड़ी चढ़ान पर दौड़ना पड़ रहा है, कदमों में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता हुआ। अभी भी बात की जाए इस ओवर की, आखिरी गेंद का खेल बाकी होगा, आखिरी गेंद आने बाकी, जो टीम जीतेगी सुपर 8 में क्वालिफाई करेगी। 4:20 हो चुके हैं, स्लोवर गेंद डॉट बॉल, ओवर नंबर 2 समाप्त हुए। 2 ओवर के समाप्ति के लिए मैं जरूर बताना चाहूंगा, अरिफ भाई आपने 2 ओवर के लिए 13 मिनट खर्च किए हैं, आपको ध्यान में रखना है, आने वाले 3 ओवर आपको 12 मिनट में खर्च करने होंगे। आपने 2 ओवर के लिए 13 मिनट लिए हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 25 मिनट में 5 ओवर समाप्त करने होंगे, मात्र 2 ओवर समाप्त है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन की बात की जाए, रन लगे स्कोर कार्ड पर फिलहाल हम देख सकते हैं 7, 4 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम इस वक्त प्रभात आएंगे अपने कोटे के दूसरे ओवर लेकर। जिलानी और गौरव इस वक्त मैदान के अंदर, पैगंबर अत्तार और सोहेल बागवान अभी तक बल्लेबाजी के लिए आए, कहीं ना कहीं उन्हें रोका गया। पहले गेंद थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास था इस वक्त, ये डॉट बॉल देखने को मिलती हुई, बिंदी गेंद आई है, जरूर देख सकते हैं हम जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है, बढ़िया गेंदबाजी प्रभात और मिस्टर अरबाज इंद्र, अच्छी गेंदबाजी की है फिलहाल अपने टीम के लिए। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे गेंदबाज,
जैसे बार फुल टॉस बॉल थी वहां पर खेला, खिलाड़ी वहां पर अरबाज हैं गेंद को फील्ड करते हुए नजर आए। जब तक गेंद को फील्ड किया गया एक सिंगल बटोरा गया, एक रन के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 8 अंकों पर। तो दोनों ही टीमों के लिए एक रिव्यू दिया गया, व्हाइट बॉल और बीमर गेंद के लिए फील्डिंग करने वाली टीम, बैटिंग करने वाली टीम, ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर से एक बार प्रभात गेंदबाजी के लिए तैयार। छोटी गेंद कट करना चाहते थे हसनैन माजरा, गेंद के नीचे विकेट नंबर 5वां मैदान के बाहर, गौरव माधरी बैक टू डगआउट। दैट इज ए धन्यवाद इसे। तो बल्लेबाज पैगंबर अत्तार इस वक्त मैदान के अंदर आएंगे, देख सकते 5 विकेट गवा चुके, मात्र 8 रन लगे स्कोर कार्ड पर। कहीं ना कहीं पूरी तरह से पिछड़ती हुई टीम बैकफुट पर पठान 11 कराड़ की टीम नजर आती हुई, थोड़ा सा निराश किया है बल्लेबाजों ने। अमोर सालवे, ओमकार सालवे, क्षितिज, उसके बाद कदीर खतीब और जो पिछला विकेट आया गौरव महादर, डबल माइंड में थे, गेंद को खेलिया फिर ढकेले, उसी बीच हम देख सकते बैट का बाहरी किनारा लेकर हसनैन माजरा पॉइंट पर गेंद को लपका गया गली रीजन में। नए बल्लेबाज इस वक्त 7वें क्रमांक पर पैगंबर अत्तार आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, अरबाज थोड़े से दूर, गेंद को फील्ड करने का प्रयास, गेंद को फील्ड किया जाएगा, 1 रन जरूर बटोरा गया। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा बचा इस वक्त हम देख सकते मात्र 9 रन लगे स्कोर कार्ड पर, 3रा प्रगति पथ पर है। 9 रन पर 5 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम जिलानी और पैगंबर मैदान के अंदर। बात कीजिए यहां से अगर 2 ओवर आप सिंगल डबल भी खेलते तो आने वाले 2 ओवर में आप रन बना सकते हैं, मगर यहां से विकेट का जो पता चले वो रोकना होगा बल्लेबाजों को। इस वक्त खेल दिया गेंद को, दिखते दीप बैकवास को लेकर खिलाड़ी मौजूद, गेंद की तरफ एजाज, गेंद को फील्ड किया गया, तब तक 1 रन बटोरा गया। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है, एज आईकॉन प्रभात नजर आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, अच्छी गेंदबाजी। अभी तक गेंदों की बात की जाए, गेंदी हो चुकी है इस ओवर में, हम देख सकते हैं 5-3 रन खर्च कर चुके अभी तक गेंदबाज, अभी भी 1 गेंद का खेल बाकी होगा। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर पैगंबर अत्तार स्वच्छ स्ट्राइक पर, 1 चौका जरूर आया, उसके बाद खामोश रखा है बल्लेबाजों को, जड़ में रखा था, ऑनसाइड पर खेलने का प्रयास, पहला रन पूरा करके थे। इसे इस वक्त जिलानी का कॉल जरूर होगा मगर पैगंबर ने रोका है, 1 सिंगल जरूर दिया गया। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रनों की बात कीजिए, रन लगे उसके कार्ड पर 11, बात कीजिए 4 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए, ओमकार सालवे, अमोल सालवे, गौरव महादर और बल्लेबाज की बात की जाए मिस्टर कदीर खतीब, 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर है जिलानी और मिस्टर पैगंबर। फिर से एक बार अरबाज इंद्रगढ़िया को बुलाया गया, पैगंबर अत्तार 2 गेंदे 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिलानी की बात की जाए, जिलानी ने अभी तक 4 गेंदे खेली है, 3 पर बल्लेबाजी करते हुए, खराब शुरुआत है मगर अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी होगा। एक अच्छी इनिंग बिल्ड करनी होगी पैगंबर अत्तार या फिर जिलानी शेख को यहां से रन बटोरने को, क्योंकि आधी इनिंग की आधी ओवर समाप्त हुए, मात्र 18 गेंदों का खेल बाकी, 5 विकेट आपने गंवाए हैं, मात्र 11 रन लगे स्कोर कार्ड पर। बैठा खेलने का प्रयास था इस वक्त, देख सकते हैं रन लेना चाहते, गलती कर बैठे है क्या, ओहो यहां पर पैगंबर का ध्यान नहीं था और जिलानी दौड़ पड़े और इस वक्त बल्लेबाज की बात की जाए, पैगंबर अत्तार मैदान के बाहर, बैक चलेगा और 6वां विकेट। बल्लेबाजी से तो नए बल्लेबाज इस वक्त राहुल मैदान के अंदर नजर आएंगे बल्लेबाजी के लिए। खराब कॉलिंग, विकेट आपके आए, थोड़ा जल्दबाजी की गई देख सकते हम जिलानी द्वारा, और ये जल्दबाजी कहीं ना कहीं पैगंबर का मैदान के बाहर लेकर आई, खराब कॉलिंग मैं कहूंगा। रन्नाद तो डेड बॉल अंपायर ने फिर से एक बार करार दिया, देख सकते हैं इस वक्त
जिलानी इस वक्त हल्के बल्ले से खेला गया, आप में गेंद ट्रैवल होती हुई खिलाड़ी वहां पर है, मगर गेंद जाती है बाउंड लाइन के नजदीक, देख सकते काफी धीमी गई है, मुझे बिल ने प्रयास भी नहीं किया और चौका आता हुआ। इस वक्त जिलानी के बल्ले से इनिंग का हम देख सकते दूसरा चौका मात्र आया, पहला चौका पहली गेंद पर लगाया था मिस्टर क्षितिज ने, उसके बाद ये चौका जिलानी के बल्ले से। थोड़ी सी चर्चा की जा रही है, हम देख सकते तीस और चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, तो फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए होते हुए तैयार, फिर से एक बार गेंद को खेला बैक टू बैक दूसरा चौका जिलाने के बल्ले से आता हुआ। तो यहां से अगर देखा जाए तो इस तरह की बल्लेबाजी के लिए करनी होगी रनों की बात, के जब पिछले दो गेंदों पर आठ आए हैं इसी के लिए शायद स्ट्राइक पर आए थे जिलाने और यहां पर दो चौके बटोरे, रनों की बात के जब रन जा उसको कार्ड फिलहाल हम देख सकते हैं 19 चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, 21 मिनटों का वक्त अभी तक लिया जा चुका है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर से एक बार गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार, पटकी भी गेंद थी ऑफ का थोड़ा सा बाहर रखने का प्रयास था, हल्की सी अपील की जा रही है और इस वक्त तो बल्लेबाज खुद मैदान के बाहर जिलानी, अच्छी गेंदबाजी ऑफ के बाहर, बल्ले का हल्का सा सिरा लेकर विकेट का पतन होता हुआ जिलानी बैक टू डग आउट 19 पर लगने वाला इस वक्त सातवां झटका, पूर्व से बल्लेबाजी की बात की जाए पूर्व से दहती हुई नजर आ रही है, पठान 11 करार थोड़ा सा निराश करते, पहला मैच काफी बेहतरीन खेला था उसके बाद जब बल्लेबाजी का मौका मिला बल्लेबाज थोड़ा सा निराश करते हुए, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे, इस वक्त कप्तान हम देख सकते हैं सोहेल बागवान मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए। धन्यवाद से धन्यवाद, इस वक्त देख सकते हैं 90 नंबर बल्लेबाजी के लिए आए हैं मिस्टर सोहेल बागवान, रन लगे मात्र 19 चौथा ओवर प्रगति पथ पर, चार गेंदें डाली जा चुकी है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मिस्टर अरबाज फाइफर, पांच विकेट अभी तक चटका चुके हैं इस मैच में, बेहतरीन गेंदबाजी अरबाज इंदरगढ़िया द्वारा, सोहेल बागवान इस वक्त स्ट्राइक पर, सात विकेट सात झटके दिए गए, क्या गेंदबाजी की गई गेंदबाजों द्वारा, क्लीन बोल्ट छठा विकेट इस वक्त चटकाया अरबाज ने और आठ विकेट यहां पर चटका चुके हैं, क्या गेंदबाजी की जा रही है, क्या गेंदबाजी 19 पर आठ विकेट या डीजे। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर अरबाज इस गेंद पर विकेट चटकाते हैं 1000 रुपए का इनाम सरफराज भाई की तरफ से होगा, अगर इस गेंद पर विकेट चटकाते हैं तो हैट्रिक होगी, हैट्रिक लेते ही सरफराज की तरफ से 1000 रुपए का इनाम जरूर होगा अरबाज के लिए, छह विकेट अभी तक चटका चुके हैं सूरज पाटिल इस वक्त नई बल्लेबाज मैदान के अंदर, सूरज कहीं ना कहीं खराब प्रदर्शन इस वक्त काफी निराश किया बल्लेबाजों ने, 19 पर बात की जाए आठ विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम, 19 रन पर आठ विकेट, थोड़ा सा निराश करते हुए इस वक्त टीम के बल्लेबाज, फिर से एक बार रुके, फिर से एक बार रुकते हुए नजर आ रहे हैं हम देख सकते हैं, ये लगातार अरबाज के साथ देखने को मिलता हुआ डेड बॉल अंपायर करार देते हुए, सर टाइम के ऊपर हो चुका है, 12th में यहां पर बैठा हुआ है, ध्यान में रखना है आपको, ओके। इस वक्त हैट्रिक पर है अरबाज इंद्रगढ़िया, देख सकते हैं हम
हल्के बल्ले से खेला गया, देख सकते हैं बैट एंड पैड गेंद डॉट बॉल जरूर आई है, देख सकते हैं हम। यस सर, तो टाइम का जो लिमिट है, टाइम की बात की जाए इस वक्त टाइम लिमिट समाप्त होता हुआ हम देख सकते हैं। ट्वेल्थ में हमारे साथ बैठे हुए हैं, चार ओवर में आपने 26 मिनट लिए आरिफ भाई, ध्यान में रखना होगा। तो देख सकते हैं इस वक्त नए गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आएंगे, हसनैन मांजरा को बुलाया गया, हसनैन मांजरा को काफ़ी नीचे गेंदबाजी के लिए बुलाए हैं, मगर क्या गेंदबाजी की है, गेंदबाज की बात की जाए मिस्टर हसनैन मांजरा की पहली गेंद कट करना चाहते थे इस वक्त हम देख सकते हैं। मिस्टर राहुल वांगड़े इस वक्त स्ट्राइक पर हैं, डॉट बॉल, यहां से 12 गेंदों का खेल बाकी होगा, मात्र 19 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड, कहीं ना कहीं पूर्ति से निराश किया है गेंदबाज बल्लेबाजों ने, फिर से एक बार ऑफ्टन के बाहर। इस वक्त व्हाइट बॉल अंपायर जो दर्शाएंगे, व्हाइट के साथ स्कोर कार्ड जा पूछा 20-20। तो देख सकते हैं चार खिलाड़ी मात्र सर्कल के बाहर रखे गए, क्योंकि पैनलाइज किए गए 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर होंगे, वक्त के साथ गेंदबाजी फिर से एक बार खड़े खड़े खेलना चाहते हैं। राहुल वांगड़ की बात कीजिए, कम काफी कम दबाव बल्लेबाजी का, देख सकते डिफेंड करने का प्रयास किया जा रहा है, थोड़ा सा निराश सूरज पाटिल लॉन्च टैकेट पर। राहुल बात कीजिए मिस्टर हसनैन मांजरा की, एक वाइट गेंद डाली है, दो गेंद अभी तक बिंदी डाल चुके हैं, रिवर्स खेलने का प्रयास, फिर से एक बार डॉट बॉल, पांचवा और प्रगति पथ पर निराश, काफी निराश कर रहे हैं बल्लेबाज फिलहाल, जिस तरह से विकेट आए हैं कहीं ना कहीं करार्ड पठान इलेवन की टीम पूर्ति से पिछड़ती भी नजर आए, और बाज का जो तूफान था वो तूफान में ढह गई बल्लेबाजी। इस वक्त ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, और यहां पर एक और विकेट डाउन। धन्यवाद धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। विशाल इस वक्त नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आएंगे, आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर, पांच ओवर प्रगति पर मात्र 20 रन लगे स्कोर कार्ड पर। रोहित चतुर्वेदी, प्लीज आपसे गुजारिश है कि हमारे मंच पर आकर विराजमान हुए रोहित चतुर्वेदी। मिर्ची के होलसेल व्यापारी हैं मिस्टर रोहित चतुर्वेदी, प्लीज सर आइए, आपका हार्दिक स्वागत होगा हमारे मंच पर। आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर, एक फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप से दो स्लिप लगाई जा चुकी, हसनैन मांजरा गेंदबाजी के लिए तैयार। विशाल आते ही गेंद को उड़ाया, जरूर डीप लॉन्ग ऑफ पर, खिलाड़ी हैं वहां पर इरफान, गेंद को रोकने का प्रयास, मगर गेंद मैदान के बाहर, 4 रन के लिए। विशाल के बल्ले से चौका आता है, और रन की बात की जाए रन बचा 24-24, अभी भी एक गेंद का खेल बाकी होगा, 5 ओवर प्रगति पथ पर आखिरी गेंद आनी बाकी होगी। रनों की बात की 24 पर जा पहुंचा 24, 7 गेंदों का खेल बाकी है। सूरज पाटिल और विशाल इस वक्त मैदान के अंदर है, 24 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड, 9 विकेट अभी तक गवा चुके टीम। फिर से एक बार देख सकते खिलाड़ी वहां पर हैं, सद्दाम गेंद को फील्ड करेंगे, मगर एक रन जरूर बटोरा जाएगा। एक रन के साथ 5 ओवर के समाप्ति के बाद 5 के औसत से लगे 9 विकेट के साथ पर मात्र 25। चलिए टॉस के लिए आइए, इसके बाद जो होने वाला मैच श्री साई देदनादन संदेश धार ने, चलिए टॉस के लिए आइए, और इसके बाद संकेत तांडेल विटी वॉरियर्स के कप्तान, विटी वॉरियर्स वलसाड नारगोल के कप्तान टॉस के लिए आइए तुरंत। चलिए समीर खान साहब का कॉल है, रोहित चतुर्वेदी प्लीज आइए हमारे मंच पर। मिर्ची के होलसेल व्यापारी रोहित चतुर्वेदी जी, आपसे विनती है कमेंट्री बॉक्स में आए।
तो रेहान आखिरी ओवर लेकर आएंगे। रेहान की बात की जाए तो कैरेबियन स्टाइल के गेंदबाज हैं, देख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज, हेयर स्टाइल, काफी स्माइल करते हुए गेंदबाजी करते हुए। आखिरी ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस बॉल टैप कर दिया इस वक्त, देख सकते हैं गेंदबाज के सर के ऊपर से एक रन बटोरा जाएगा, एक रन के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 26-26 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड, देख सकते हैं इस वक्त अभी 5 गेंदों का खेल बाकी। सूरज पाटिल इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे। सोबर खेती पारा स्विप कर दिया डीप में, एजाज है, गेंद को फील्ड किया जाएगा, एक सिंगल बटोर आ गया, दूसरा लेना चाहते हैं इस वक्त, देख सकते हैं हम देखते ही देखते दो रन बटोरे जाएंगे, दो रन के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 28-28 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड, देख सकते हैं यहां से भी आने वाली गेंदों की बात की जाए तो गेंद का खेल बाकी होगा 4-28 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड, 9 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम। यहां से दो बड़ी शॉट्स, 40 प्लस अगर स्कोर कार्ड होगा तो अच्छा बैटल देखने को मिल सकता है क्या, ये सवाल हमारे मन में खर्च करता हो, मगर अरबाज इंद्रगढ़िया ने क्या गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी अरबाज द्वारा। फिर से एक बार गेंदबाज रिहान गेंदबाजी के लिए तैयार, डिस्कोप करना चाहते थे इस वक्त, डॉट बॉल सूरज पाटिल, कुछ अलग तरीके बल्लेबाजी करने का प्रयास था, डॉट बॉल जरूर खेली गई। यहां से भी आखिरी 3 गेंदे 28 पर मात्र रुका हुआ स्कोर का 28 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड है, देख सकते हैं इस वक्त सुरेश पाटिल। इस वक्त ऑफ साइड पर गेंद को खेला गया, अरबाज इंद्रगढ़िया गेंद के नीचे 28 पर पूरी टीम समेटती हुई, 29 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। चलो टॉस किया ये टीम संदेश धार ने भाऊ, चलो टॉस अड़िया संकेत तांडेल, टॉस के लिए तुरंत आना है, इनिंग ब्रेक हो चुकी है, प्लीज संकेत टॉस के लिए आइए। विटी वॉरियर्स वलसाड, श्री साई देदनादन डहानू, इन दोनों के बीच में टॉस उड़ाया जाएगा। हमारे अतिथि रोहित चतुर्वेदी इनके द्वारा, रोहित जी टॉस उछाला जा रहा है, कल
बढ़िया चतुर्वेदी सर, मिर्ची के थोक व्यापारी। और कल के दिन ऑफर रखा है चतुर्वेदी सर ने, तफसीर खान साहब बता रहे हमें, मात्र कमेटी मेंबर्स के लिए। ऑफर के लिए आप कांटेक्ट कर सकते तफसीर खान साहब की तरफ, ओनली कमेटी मेंबर्स, जो फोटोज लगाए गए उनके लिए ऑफर होगा। तो चलेंगे मैदान के अंदर, हम देख सकते हैं और एक टूर्नामेंट हम देख सकते हैं, सुरंगी में टूर्नामेंट खिलाई जाएगी, ऑल इंडिया ओपन 24 से लेकर 28 तारीख तक को टूर्नामेंट खिलाई जाएगी। अंपायर इस वक्त लेफ्ट प्ले का कॉल करते हुए, और किसी भी टीम को एंट्री करनी है तो अशफाक सुरंगी या फिर समीर खान से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हम, हमारे कमेटी मेंबर समीर खान देख सकते हैं वहां पर, आप कॉन्टेक्ट करके वहां पर उस टूर्नामेंट में एंट्री कर सकते हैं। 77,000 फर्स्ट प्राइज, 33,000 सेकेंड प्राइज, उस प्रत्येक इनामी राशि की 24 से 28 वो टूर्नामेंट खेली जाएगी। तो चलेंगे मैदान के अंदर, सूरज पाटिल पहली ओवर लेकर आएंगे, इरफान दीवान एज आइकॉन बल्लेबाजी के लिए, मात्र 29 रनों का लक्ष्य 6 ओवर में। देखा जाए किस तरह की गेंदबाजी की जाएगी। पहली गेंद कट कर दिया, खिलाड़ी गेंद के नीचे, पहली गेंद पर विकेट, इस तरह का प्रत्युत्तर दिया गया। जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत करवाई है सूरज पाटिल ने, इरफान को भेजा मैदान के बाहर, 29 रन डिफेंड कर रहे, पहली गेंद पर विकेट, दैट इज इट। जरूर समीर खान साहब और टिंकू साहब की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। मार्मिक के माजी पत्रकार सागर बोस साहब वेलकम, आइए हमारे मंच पर, वेलकम समीर खान साहब, समीर खान साहब की तरफ से अनाउंसमेंट है ये, आइए हमारे मंच पर सागर बोस सर, आपका वेलकम किया जाएगा। तो पहली गेंद पर विकेट चटका, इस वक्त अनुभवी खिलाड़ी आरिफ कॉन्ट्रैक्टर स्ट्राइक पर, विकेट के पीछे सोहेल बागवान काफी नजदीक है, फर्स्ट स्लिप पर एक खिलाड़ी है के सूरज पाटिल, इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार। जड़ में रखा था वहां पर विशाल है जिन्होंने गेंद को फील किया, पहली दो गेंदें बेहतरीन डाली गई हैं। जो पहली आज की सुबह की मैच खेली गई थी, सूरज पाटिल ने पहली गेंद पर विकेट चटकाया था, इस मैच में पहली गेंद पर विकेट चटकाया गया, इस तरह से गेंदबाजी की जा रही है। देखते हैं फिर सूरज पाटिल गेंदबाजी के होते हुए तैयार, ऑन साइड पर फ्लिक कर दिया कलाएं के सहारे से, गेंद को खेला डीप में, खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील करेंगे ओमकार, गेंद को फील किया गया, जब तक दूसरा लेना चाहते हैं आरिफ, देख सकते हैं थोड़ा सा पीछे थ्रो किया गया और देखते ही देखते 2 रन बटोरे गए, ओमकार थोड़ा सा पीछे थे, इसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, 2 रन बटोरे, 2 रन के साथ खाता खुलता हुआ। कमेटी मेंबर थोड़ा ध्यान दे, अंगत अंगत और गौ माता का काफी नजदीकी रिलेशन है, अंगत मैदान के अंदर है, उन्हें बाहर लेकर आते हुए आराम से लेकर आई अंगत, 3 गेंदें 2 रन लगे उसको कार्ड पर, 1 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम देख सकते हैं। आरिफ कॉन्ट्रैक्टर स्ट्राइक स्ट्राइक पर होंगे, डीप बैक पास को लेग पर अमोर सालवे, डीप कॉर्नर पर झिलानी शेख, 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर, और इस वक्त वहां पर क्षितिज मोरे, आरिफ कॉन्ट्रैक्टर मैदान के बाहर, 2 रनों पर दूसरा छटका, 4 गेंदें 2 विकेट अभी तक छटका चुके हैं सूरज पाटिल। धन्यवाद धन्यवाद डीजे धन्यवाद। तो चलेंगे मैदान के अंदर, पहली ओवर में जो शुरुआत चाहिए थी पठान 11 कराटे टीम को शुरुआत करवाते हुए, देखा जाए नए बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए आने के लिए अक्रम मांजरा मैदान के अंदर आएंगे, तो बेहतरीन गेंदबाजी, 2 विकेट अभी तक आ चुके हैं अक्रम मांजरा, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं अक्रम मांजरा, मगर 2 विकेट अभी तक गंवा चुके हैं, पहला ओवर प्रगति पथ पर है। जिस तरह से पहली इनिंग की हमने बात की थी, पहली इनिंग में गेंदबाजी की थी मिस्टर प्रभात ने, 1 ओवर में 5 रन खर्च कर 1 विकेट चटका, मगर अरबाज ने जो 6 विकेट चटका वहां से बल्लेबाजी करती टीम उभर नहीं पाई थी, मगर यहां से उसी का प्रत्युत्तर करना होगा अरबाज, इधर घड़ी से गेंदबाजी करनी होगी। अक्रम मांजरा इस वक्त मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए, 29 का पीछा करना, 2 विकेट आ चुके हैं, 2 रन लगे हैं मात्र स्कोर कार्ड पर। इसके बाद एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, एक तरफ वीटी वॉरियर्स वलसाड नारगोल, तो एक तरफ श्री साई दे दनादन ढानू, ये टीम खेलती हुई नजर आएगी। इसके बाद वाले मैच में अक्रम मांजरा इस वक्त स्ट्राइक पर नजर आएंगे, नए बल्लेबाज मुजम्मिल पटेल नौ स्ट्राइक इन पर हैं कप्तान, स्ट्राइक पर अक्रम, फिर से एक बार सूरज पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार,
जड़ में रखा था, खोद कर निकाला। इस वक्त सूरज पाड़ी गेंद की तरफ आगे तो फील किया, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था, बैकअप के लिए अमोल आए, मगर एक सिंगल बटर आ गया, एक रन के साथ स्कोर कार्ड जाब हो जाए तीन। यहां से अभी भी 26 रन डिफेंड करने हैं, गेंदों की बात की जाए आने वाले गेंदी बाकी 31 गेंदों में 26 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। मैच बन सकता है दोनों टीमों, कहते हैं कि अगर आप दो चीजों आपको समाधान रखना होगा, अचीव और बिलीव। अगर अपने आप पे आप बिलीव करते हैं तो कोई भी लक्ष्य आप अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर डिफेंड किया जा सकता है, मगर लगातार आपको विकेट छटकाने होंगे, डोमिनेट करना होगा बल्लेबाजों को। मुजम्मिल पड़े इस वक्त स्ट्राइक पर, सफल हुए, गेंद को खेल दिया डीप लॉन्ग लेग पर, खिलाड़ी काफी दूर है, जब तक अमोर साल पे जाएंगे गेंद को रोका जाएगा। बाउंड्री के काफी नजदीक गेंद को रोकने का प्रयास किया गया, गेंद को रोका गया, देख सकते हैं हम तब तक दो रन बटोरे गए। दो रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, एक ओवर के समाप्ति के 5 रन लगे स्कोर कार्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 5 ओवर बनाने इस मैच और इस मैच को जीतने के लिए 23 गेंदे 23 रनों का लक्ष्य होगा, माफ कीजिएगा 24 रनों का लक्ष्य होगा, 24 रन बनाने 5 ओवर में। अमोल सालवे इस वक्त गेंदबाजी के लिए आएंगे, पहली ओवर में 5 दो विकेट चटका है अमोल सालवे इस वक्त गेंदबाजी के लिए। बढ़िया गेंद इस वक्त थोड़ा सा ऑफ्टन के बाहर रखा, कट की गई, अक्रम खड़े खड़े खेलना चाहते थे, ऑफ्टन के बाहर की गेंद डॉट बॉल। यहां से 29 गेंदे और 24 रनों का लक्ष्य होगा, देख सकते हैं इस वक्त फील्डिंग की सजावट डीप बैकवर्स को लेकर। अमोल सारवे डीप कॉर्नर पर, जिलानी है डीप लॉन्ग पर, हम देख सकते राहुल वांगड़ है डीप लॉन्ग पर, सूरज पाड़ेल, इस तरह की फील्डिंग सजाई गई है। इस वक्त पहले ही सफल हो चुके थे, इस वक्त नॉस्ट टैकेट पर प्रयास कर रहा था। सोहेल बागवान को पता है कि विकेट लगातार चटकाने में, इस वक्त स्लोवर गेंद मिस टाइम, जिलानी शेख गेंद के नीचे, अकबर मा अकरम माजरा मैदान के बाहर। कहते हैं ना कि कबीर जिंदा रख जमीर जिंदा रख, हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। यहां पर उम्मीदों को जिंदा रख रहे गेंदबाज, जरूरत 3 विकेट आए हैं रनों की बात की जाए, मात्र 5 रन लगे। पलटवार पठान 11 करार की टीम करती थी, मगर यहां से बल्लेबाजी क्रम की बात की जाए, बल्लेबाजी काफी गहरी है मोना सिसी संजान की तरफ। चले बल्लेबाज तुरंत आइए मैदान के अंदर, कल मेगा फाइनल डे है, बुराक हर्बल मेडिकल कैंप कल के दिन में देखने को मिलेगा, रिलैक्स होम में आप जाकर फ्री बॉडी चेकअप, कैंसर चेकअप और डायबिटीज चेकअप भी करा सकते हैं, फ्री में आपको चेकअप है। जो भी खिलाड़ी यहाँ पर है, दर्शक है, आप इसका लाभ उठा सकते, शशि यादव ये आपको ध्यान में रखना होगा, बुराक हर्बल फ्री में चेकअप है। अजरू भाई आपको भी ये ध्यान में रखना प्लीज, आप दोस्तों तक पहुंचाइए, सभी जो दर्शक हैं उनसे हम गुजारिश करें, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, आपके फैमिली को आप लेके जा सकते हैं, वहां पर फ्री में बॉडी चेकअप किया जाएगा सभी के लिए। तो देखा जाए यहां पर जो गेंदबाजी की जा रही है, यहां पर कम रनों पर अगर रोका जाएगा तो लेवल वाला मैच देखने को मिला शशि भैया, यहां पर लेवल वाली गेंदबाजी भी की जा रही है, जिस तरह से पहले इनिंग में देखने को मिली वो यहां पर गेंदबाजी की जा रही है, कट टू कट मैच देखने को मिल रहा है, 29 रन डिफेंड करने, आज सुबह का जो पहला मैच खेला गया था इसी गेंदबाजी करने वाली टीम ने 26 रनों पर एक टीम को रोका था, वही यहां पर गेंदबाजी करने का मौका मिल सकता है। हिस्ट्री यहां पर दोहराई जाएगी क्या कराट टीम के गेंदबाजों द्वारा। लेफ्ट हैंड बैटर सद्दाम इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए हैं। मुजम्मिल की बात की जाए, कप्तान है, मगर एक गेंद के लिए 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, नॉ स्ट्राइक गेंद पर। इस ओवर में 3 गेंदें डाली है, 1 विकेट चटका चुके अमोल सालवे, फील्डिंग में बदलाव जरूर किया जा रहा है। ऑफ साइड पर शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट गली, शॉर्ट थर्ड मैन, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी को रखा गया लॉन्ग लेग पर दायरे के अंदर, डीप शॉर्ट मिड ऑन, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी को रखा गया है, डीप लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है, इस तरह की फील्डिंग सजाई गई।
बैक फुट पर आकर खेलना चाहिए। सोहेल भगवान ने गलती की, वहां पर खिलाड़ी है के कदीर खतीब, तेजी से आ मगर गेंद बिंदी डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी अमोल सालवे, मौका मिला था क्या, ऐसा लगे कि अमोल सालवे थोड़ा एक्साइटेड थे, सोहेल भगवान ने थोड़ी सी गलती की, मगर यहां पर अगर बात की जाए गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, खिलाड़ियों को रन रोकने होंगे। यहां से अगर जहां पर सिंगल वहां पर डॉट गेंदे, जहां पर दो रन वहां पर एक रन, इस तरह की फील्डिंग करनी होगी। गेंदे की बात की जो चार गेंदे डाली जा चुकी है, पांच रन पर तीन विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी अमोल सालवे, पांच गेंदे डाली, अभी तक तो कोई रन नहीं खर्च कर, एक विकेट चटका चुके हैं। ग्यारह गेंदों का खेल समाप्त होता है, मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर चलता हुआ। अभी तक हमने हैट्रिक देखी है अयात फैशन सिलवासा के गेंदबाज, जिन्होंने हैट्रिक चटकाई विशाल ने, वो प्रतियोगिता से बाहर है। एक भी मैडन ओवर हमने देखा नहीं अमोल सालवे के पास, मौका मैडन ओवर डालने का, क्योंकि यहां पर इसी तरह की दरकार है, लगातार डोमिनेट करना होगा बल्लेबाजों को। दो गेंदे डॉट खेली है सद्दाम ने, हल्के बल्ले से खेल दिया पैगंबर रफ्तार, गेंद की तरफ आया, गेंद को फील्ड करने का प्रयास, थोड़ा सा बैकअप के लिए क्षितिज आए, एक रन बटोरा गया। ओवर नंबर समाप्त होते हुए दो ओवर की समाप्ति के बाद छह रन लगे स्कोर कार्ड पर, चार ओवर का खेल आना बाकी होगा, चार ओवर बनाने हैं 23-23 इस मैच को जीतने के लिए। चलिए स्पीड अप करें, स्पीड अप करें, धन्यवाद धन्यवाद डीजे। इस वक्त देखेंगे सूरज पाटिल, जिन्होंने पहली ओवर डाली थी, दो विकेट चटकाए थे, पांच रन जरूर खर्च किए, तो वही गेंदबाज को इस वक्त इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं विकेट कीपर और क्षितिज मोरे, लेफ्ट हैंड बैटर, दायरा खुल चुका है। जिलानी ध्यान में रखना 25 मिनटों के अंदर आपको पांच ओवर समाप्त करने, आपने अभी तक दो ओवर के लिए 9 मिनट का वक्त खर्च किया, ये ध्यान में रखना होगा। छह रन लगे स्कोर कार्ड पर, अच्छी गेंदबाजी अमोल सालवे ने की सूरज पाटिल इस वक्त गेंदबाजी के लिए। फील्डिंग की थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, विकेट चटकाए हैं गेंदबाजों ने, अच्छी गेंदबाजी फिलहाल देखने को मिलती है। सद्दाम लेफ्ट हैंड बैटर स्ट्राइक पर, ये खराब गेंद थी, लोअर फुलटॉस गेंद, इस वक्त हम देख सकते हैं नो बॉल दिया जा रहा है एंपायर द्वारा, नो बॉल दिया गया।
चलेंगे मैदान के अंदर, थोड़ा सा डिसीजन चेंज किया गया और स्लोवर गेम थी। इस वक्त देख सकते हैं खिलाड़ी वहां पर एक रन जरूर बटोरा गया, एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात कीजिए, स्कोर कार्ड जहां पर इस वक्त हम देख सकते हैं 8 अंकों पर। तो इस वक्त मुजम्मिल जो एक गेंद दो पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूरज पाड़ेल 8 रन पर 3 विकेट अभी तक गवा चुकी है टीम बल्लेबाजी करती हुई। रिवर्स करने का प्रयास था कि आपने गेंद को खेला गया, देख सकते हैं मुजम्मिल पटेल के बल्ले से आता पहला चौका, 4 रन। धन्यवाद दीजिए। स्विच हिट खेला गया, मुजम्मिल कप्तान के बल्ले से आता हुआ चौका, रन जा पहुंचे 12, यहां से बनाने भी 17। इस वक्त बैट का बाहरी सिरा जरूर लगा, खिलाड़ी वहां पर गए के गेंद को फील करते हुए, दूसरा लेना चाहेंगे। देख सकते हैं खिलाड़ी आए हैं यहां पर, मौका बनाया गया, लॉस्ट पर थ्रो किया गया मगर 2 रन बटोर गए। तीसरा लेना का प्रयास था वहां पर, देख सकते हैं बल्लेबाज आगे निकले हैं, तीसरा लेना चाहेंगे क्या मगर 2 रन थोड़े से महंगे साबित होते। व्हाइट गेंद आई है, सिंगल चौका डबल, इस ओवर में अभी तक 8 आ चुके हैं, 14 रन, 14 पर जा पहुंचा उसको कार्ड। अभी भी बात की जाए मैच में कमबैक करने का मौका है मगर थोड़ी सी खराब फील्डिंग, ओवर थ्रो, एक चौका जरूर आया। मुजम्मिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदें 8 पर बल्लेबाजी करते, मैच में रोमांच जरूर पैदा किया था मगर इस ओवर में अभी तक 3 गेंदों में 8 रन खर्च किए गए हैं। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था खिलाड़ी, वहां पर गेंद को फील किया गया, तब तक थ्रो किया जाएगा, देख सकते हैं अंपायर की तरफ अपील की गई, नॉट आउट का कॉल, लेग बाइस का कॉल। इस वक्त देख सकते हैं फिर एक बार सर रन आउट और नो बॉल के लिए, रन आउट के डीआरएस नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा फील्डिंग करने वाली टीम। एक सिंगल दो लेग बाइस के रूप में ऐड होता हुआ, रनों की बात की जाए रन जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर 15, यहां से बनाने भी 14 इस मैच को जीतने के लिए। तो देखा जाए 15 15 हुआ है, 14 रन की दरकार है सर। रिवर्स खेलने का प्रयास है, देख सकते हैं पैरों पर आकर गेंद ब्रश होती हुई, इस वक्त ये डॉट बॉल अभी भी आने वाली इस ओवर में। गेंदों की बात की जाए, गेंद का खेल बाकी होगा, एक गेंद का खेल बाकी, आखिरी गेंद आने बाकी 15, यहां से 14 की दरकार है, 19 गेंदें और 14 बनाने, विकेट यहां से लगातार चटकाने होंगे गेंदबाजों को, कमबैक करने के लिए विकेट की दरकार है, ब्रेक थ्रू दिलानी होगी। हल्के बल्ले से खेल दिया, शॉर्ट फाइन लेग पर कदी रहे, गेंद को फील करेंगे, तब तक 1 रन बटोरा गया, ओवर नंबर समाप्त होते हुए 3 ओवर की समाप्ति के रन की बात की, रन लगे 16, आने वाले 3 ओवर बनाने इस मैच को जीतने के लिए 13 रन के लक्ष्य, 13 रन बनाने होंगे। चलिए स्पीड अप करें तुरंत, तो देखा जाए इस वक्त अमोल सालवे जिन्होंने पहली बार, जाए स्पीड अप करें थोड़ा सा प्लीज, स्पीड अप करें, स्पीड अप करें थोड़ा सा,
अमोल सालवे फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आए हैं। सूरज ने दो ओवर डाली है, दो ओवर में अभी तक सूरज की बात की जाए। तो सूरज ने दो ओवर डाली है, दो विकेट चटकाए हैं अभी तक, 16 उन्होंने खर्च किए, एक रन जरूर खर्च किया था। हम देख सकते हैं बल्लेबाज गेंदबाज अमोल सालवे द्वारा, फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार हो गए अमोल सालवे। पटकी हुई गेंद थी, लफ कर दिया डीप में खिलाड़ी क्षितिज मोरे, विकेट का पतन, सद्दा मैदान के बाहर। अभी भी बात की जाए, चार विकेट आए हैं, छह विकेट और चटकाने होंगे क्योंकि 17 गेंदे और 13 रन डिफेंड करने, 17 गेंदों में 13 रन। चलिए तुरंत फील्डिंग सजाए रखी अमोल, 25 मिनट को 5 ओवर समाप्त करने हैं। जो डिसीजन के लिए व्यक्त किया गया था वो टाइम कट किया जाएगा क्योंकि रुका गया था वहां पर मैच, मैदान में आपको रखना है। विकेट का जो टाइम है वहां पर कट नहीं किया जाएगा, जो स्कोर नो बॉल के लिए रोका गया था व्हाइट बॉल के वो टाइम कट किया जाएगा, मगर जो 25 मिनट के लिए आपको 5 ओवर समाप्त करने के ध्यान में रखना होगा। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के इस वक्त मैदान के अंदर आएंगे, मैनुद्दीन नल्ला इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए। मुजम्मिल कप्तान है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदे 8 पर हैं, एक चौका उनके बल्ले जरूर आया। अमोल सालवे ने पहली गेंद पर विकेट चटकाया, बड़ा शॉट खेलने के चाहत में क्षितिज मोरे ने कैच वहां पर लपका, 4 विकेट अभी तक चटका चुके। रनों की बात की जाए 16 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड, एक मैच और खेलना है। देख सकते हैं इस वक्त अमोल सालवे गेंदबाजी के लिए तैयार, 2 विकेट अभी तक चटका चुके, अपना पिस्पल का दूसरा ओवर लेकर आए। फिर से एक बार अमोल गेंदबाजी के होते हुए तैयार, इस वक्त जिलानी गेंद की तरफ आए, बल्ले का दूसरा लेकर जब तक शॉर्ट बैकवर्स को लेकर गेंद आई, कीपर आए, गेंद को फील्ड किया गया, एक रन बटोरा गया, एक रन के साथ 17 बचा बचा 17। फील्डिंग में थोड़ा तब्दीली की जाएगी, देख सकते हैं अमोल सालवे तो फील्डिंग थोड़ा सा अलग सजाते हुए। मुजम्मिल पटेल इस वक्त आए हैं, उनके लिए ऑफ साइड पर डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है, पैगंबर अत्तार। डीप मिड ऑन पर एक खिलाड़ी है, डीप बैकवर्स को लेकर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, डीप लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी, इस तरह की फील्डिंग सजाई गई। दायरे के अंदर हम देख सकते हैं शॉर्ट स्लिम मिड ऑन पर एक खिलाड़ी को रखा गया, एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पर, एक खिलाड़ी हम देख सकते थोड़ा सा वाइडिश रखा गया, शॉर्ट थर्ड मैन पर एक थोड़ा सा ऊपर रखा गया एक्स्ट्रा कवर में। मुजम्मिल ऑन स्ट्राइक, 16 गेंदे बनानी है 12 इस मैच को जीतने के लिए। आगे निकले खेले दरो क्षितिज, वहां पर थे पैगंबर अत्तार, थोड़े से दूर हैं, ये इस वक्त मैदान के बाहर, 4 रन के लिए मुजम्मिल के बल्ले से आता हुआ एक और चौका, यहां से बनाने इस मैच को जीतने के लिए 8 रन, 15 गेंदे 8 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए, 15 बॉल 8 रन टू विन। 2 चौके अभी तक मुजम्मिल लगा चुके, अच्छी बल्लेबाजी करते अपने टीम के लिए। गुरु सूची की कमेटी के उपाध्यक्ष कमलेश जी पांडे सर हमारे मंच पर आकर विराजमान, प्लीज आइए, आपको आना होगा, कुछ अलग करने का प्रयास था। कदीर खतीब गेंद के नीचे, विकेट का पतन, पांचवा झटका इस वक्त मुजम्मिल पटेल। अमोल सालवे को पता है कि वक्त कितना कीमती है, वो टीम मीटिंग नहीं लेना चाहते, तुरंत मैच की शुरुआत की। चलो बल्लेबाज तुरंत मैदान के अंदर, इस वक्त एजाज बल्लेबाज के 5 विकेट आए हैं। रन की बात की जाए, रन लगे उसके कार पर हम देख सकते हैं 21। तो अमोल सालवे ने अभी तक एक चौका आया, 4 गेंदों पर 5 रन खर्च किए, 2 विकेट चटका चुके, 5 विकेट आए, यहां से भी 8 रन का लक्ष्य होगा। गेंदों की बात की जाए, 14 गेंदे 8 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। अमोल सालवे गेंदबाजी के लिए होते हुए तैयार, फील्डिंग की सजावट देख, थोड़ा सा अटैकिंग फील्डिंग लगाई गई है इस वक्त डीप पॉइंट पर, हम देख सकते हैं क्षितिज मोरे को रखा गया, पैगंबर को इनफील्ड के अंदर सर्कल के अंदर लिया गया। फिर एक बार अमोल सालवे गेंदबाजी के लिए तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर एजाज है, कट कर दिया वहां पर पैगंबर है, गेंद की तरफ दौड़ेंगे मगर क्षितिज मोरे आए, गेंद को फेंक दिया गया, दूसरा ना चाहते, देख सकते दोनों खिलाड़ी आगे पहुंच चुके थे, थोड़ा सा खराब थ्रो क्षितिज मोरे द्वारा, एक रन एक्स्ट्रा दूर खर्च किया, एक रन एक्स्ट्रा खर्च किया गया। 2 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा बचा 23, अभी भी 6 रन का लक्ष्य होगा, 13 गेंदे 6। गेंदबाजी काफी बढ़िया की जा रही मगर थोड़ा सा खिलाड़ी ने नाराज किया, आखिरी गेंद तक खेल बाकी होगा, आखिरी गेंद आनी बाकी इस ओवर में, भी अमोल सालवे अच्छी गेंदबाजी कर रहे मगर थोड़ा सा लेजी पर, थोड़ा सा खराब थ्रो क्षितिज मोरे द्वारा, एक रन एक्स्ट्रा खर्च किया गया, एक रन काफी महत्वपूर्ण है। सामना अगर लेवल होता है, मैच अगर टाई होता तो सुपर ओवर खेला जाएगा, आपको ध्यान में रखना होगा।
आगे निकले, बड़ा शॉट खेलने का चाहत, वहां पर विकेट कीपर ने की है गलती, एक रन एक्स्ट्रा खर्च किया गया, मात्र पांच की दरकार होगी, 12 गेंदे बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, पांच। धन्यवाद इसे मास्टर। राहुल वांगड़, राहुल आएंगे इस वक्त गेंदबाजी के लिए, हम देख सकते हैं 12 के लिए पांच रन डिफेंड करने, यहां से पांच विकेट अगर चढ़काती टीम तो मौका बन सकता है, मगर देख सकते हैं मात्र 12 गेंदे और मात्र पांच बनाने, मुनासी संजान का पलड़ा भारी देखने को मिलता है इस मैच में, मगर क्रिकेट का खेल है, कभी भी कहा नहीं जा सकता, भारतीय राजनीति क्रिकेट और क्रिकेट कभी भी अपना रंग बदल सकते हैं। राहुल वांगड़ से गेंदबाजी के लिए, अंपायर के दाने ओर से स्ट्राइक पर एजाज, स्ट्राइक पर एजाज नजर आएंगे, पहली गेंद पटकी हुई थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील करते हुए डॉट बॉल, शॉर्ट गेंद थी, खिलाड़ी को तैनात रखा था, डॉट बॉल आई है, यहां से दबाव बनाना होगा, यहां से दबाव थोड़ा सा बनाना होगा बल्लेबाजों पर, लगातार डॉट गेंद को डोमिनेट करना होगा, पहली दो ओवर काफी खूबसूरत देखने को मिले, उसके पिछले दो ओवर में देख सकते 19 रन आए हैं, कहीं ना कहीं वो पासा पलटता हुआ मैच का, रिवर्स खेलने का प्रयास विशाल थे, मगर गेंद मैदान के बाहर, 4 रन के लिए और स्कोर कार्ड हो फाइनल लेवल, लेवल होता हुआ स्कोर कार्ड 28 पर जाए हुआ स्कोर कार्ड, एक रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। तो मात्र एक रन दूर होगी इस मैच को जीतने के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो रन कम पड़े, मैंने कहा ना 40-45 रन होते थे, एक अच्छा फाइटिंग स्कोर देखने को मिलता, मगर गेंदबाजी अच्छी की, 29 रन डिफेंड करते हुए मोनासी संजान को थोड़ा सा तकलीफ पर लाए थे गेंदबाजों ने, आगे निकले, यहां पर डॉट बॉल आई है, अभी भी बात की जाए 9 गेंदे एक रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए, 9 गेंदों में एक रन की दरकार, एजाज इस वक्त स्ट्राइक पर, और क्लीन बोल्ड, छठा झटका, यहां से 8 गेंदे एक रन की दरकार। एक रन की दरकार है और विकेट का पता, 7वां झटका, हसन मांदरे मैदान के बाहर, 7 विकेट, यहां से अगर 3 विकेट और चटकाते अगर मैच टाई होगा तो सुपर ओवर खेला जाएगा, देख सकते हैं। धन्यवाद इसे, हैट्रिक पर होंगे इस वक्त राहुल वांगड़े, नए बल्लेबाज रिहान, 7 झटके दिए गए, पुछल्ले बल्लेबाज मैदान के अंदर, अभी भी विकेट अगर चटकाती है टीम तो सुपर ओवर देखने को मिल सकता है, दर्शक भी इस वक्त खड़े हो चुके हैं, मैच का आनंद ले रहे, कहीं ना कहीं कादिर भाई स्कोर थोड़ा सा कम है, 40-45 प्लस अगर स्कोर होता कहीं ना कहीं अच्छा बैटल देखने को मिल सकता है, मगर 29 रन डिफेंड करती थी, मात्र एक रन की दरकार, गेंदों की बात की जाए गेंदे आनी बाकी होंगी, एक ये बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, ओवर इस वक्त होते भी समाप्त, 6 गेंद में बनाने इस मैच को जीतने के लिए मात्र एक,
छह गेंदे एक रन की दरकार, तीन विकेट हाथों में। देखे आखिरी ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा। छह गेंदे एक रन के दरकार, पैगंबर अख्तार इस वक्त गेंदबाजी के लिए। हम देख सकते हैं मैनुद्दीन स्ट्राइक पर है, मैनुद्दीन नल्ला इस वक्त स्ट्राइक पर नजर आएंगे। देख सकते हैं पैगंबर अख्तार स्ट्राइक पर गेंदबाजी के लिए होते हुए तैयार। मैनुद्दीन इस वक्त स्ट्राइक पर, पहले गेंद इस वक्त पैरों पर गेंद लगी है, जरूर देख सकते हैं रन लेने का प्रयास किया गया और इस मैच को जीता मोनासी संजय ने। मगर क्या बेहतरीन गेंदबाजी की अमोल सालवी और सूरज पाटिल ने, तो दोनों फील्डिंग सजाएगी। नेक्स्ट मैच इस मैच का मैन ऑफ द मैच बैक टू बैक अरबाज इंद्रगढ़ी आई है मैन ऑफ द मैच के लिए बैक टू बैक। दीपक पाटिल सर, दीपक सर या तुम्हारे शुभेच्छा देना मैन ऑफ द मैच। दीपक सर या अपने शुभेच्छा दिला मैन ऑफ द मैच। इसके बाद आखिरी मैच होगा सुपर एट में जाने के लिए।